Hello students, I'm here for you and today I will explain you chapter number 4 in science. So take out page number 35 and our chapter name is heat. So students, what do you mean by heat? क्या होता है heat? Heat is गर्माहट है ना, कोई भी चीज कितनी गर्म है, that is called heat. In earlier chapter, we have learned about animal fiber and plant fiber. So, we all know that in winters we wear woolen clothes that we get from animal fibers, and in summer we wear cotton clothes and that we get from plant fibers. Woolen clothes हमें animal से मिलते हैं and cotton फ्रॉम प्लांट. ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि हमको सर्दियों में वूलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है? वाई? बिकॉज वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ये हमको गर्माहट देता है. बिकॉज सर्दियों में इन विंटर्स हमको क्या लगती है, ठंड लगती है ना, कोल्डनेस फील होती है ना, इसलिए. एंड इन समर हैव यू वियर वूलन क्लोथ्स? नो, कभी नहीं पहनते ना हम समर में वूलन क्लोथ्स. वाई? बिकॉज वी नीड लाइट एंड कूल कॉटन क्लोथ्स. इसलिए समर में हमको क्या चाहिए, कूलनेस चाहिए, इसलिए कॉटन के क्लोथ्स हम पहनते हैं. और दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. तो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है कि एक सीजन में हमको वूलन क्लोथ्स चाहिए, एक में हमको समर में हमको कॉटन क्लोथ्स चाहिए? बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. अगर हमको बाहर का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा तो हमको गर्मी लगेगी, तो हमको क्या चाहिए, कूलनेस चाहिए. और अगर विंटर में क्या होगा, कोल्ड इनसाइड द हाउस, ठंडक होती है, तो हमको क्या चाहिए होता है, बी एक्सपोज टू सन. हमको ऐसा लगता है कि हम सनलाइट में बैठे रहें और ये हमको अच्छी फीलिंग देता है ना. सो इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट हॉट और कोल्ड, कि क्या चीज़ क्या हमको हॉट एंड कोल्ड क्या होता है. ओके, सो आवर टॉपिक इज नाउ हॉट एंड कोल्ड. अच्छा, हम अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब नॉर्मल डेज में, नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो कई चीज़ें हम हॉट प्रिफर करते हैं गर्म, और कुछ कोल्ड ठंडी. जैसे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आप कैसी लोगे, कभी वार्म या हॉट आइसक्रीम खाओगे? नेवर. यू विल लाइक कोल्ड या कूल आइसक्रीम, है ना. और ये कैसी होती है, कूल. तो आपको क्या, यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है, आप इसको कर सकते हो. सेकंड क्या है, स्पून इन अ टी कप. अभी हमने क्या किया, अगर एक टी कप में स्पून डाल दी तो हाउ इट इज़, कैसी होगी वो, कूल होगी कि हॉट होगी, वार्म होगी ना. वाई? बिकॉज टी इज हॉट, सो यू हैव टू टेक हेयर वार्म एंड हॉट. फ्रूट जूस, ऑलवेज दे आर कोल्ड एंड कूल. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होगा, कोल्ड या कूल, क्योंकि वो किसके होते हैं, प्लास्टिक या फिर बैकेलाइट या रबर के, तभी तो हमको पकड़ने में इजी होता है. अगर वो गर्म होंगे या हॉट होगी तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे, है ना. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, एवरीबडी नोज दिस. ओके, सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी फील दैट दिस सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड एंड सम इज हॉट. आप बता सकते हो, आप कैसे इस चीज को फील कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है ये हॉट है? हाँ, यस, यू कैन एक्सप्लेन इट, यू कैन फील इट बाय टच. एंड सम फूड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग, है ना. जैसे कुछ चीज़ें जो ऐसे होती हैं, चाय कॉफ़ी, वो हम पीने के बाद जूस वगैरह पीस के भी बता सकते हैं कि हॉट है कोल्ड है, एंड टच करके भी बता सकते. कैसे, अगर हमारे सामने दो ग्लास रखे हैं और एक में कोल्ड वाटर है, एक में वार्म वाटर,
तो अगर हम टच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वार्म है या कोल्ड है। ओके ठीक है, अभी ये तो हमने पता कर लिया, बट अभी हम इस चीज़ को कैसे पता करेंगे कि सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। उसको हम एग्जैक्ट तो फील नहीं कर सकते ना, एक उसके लिए हमको एक मेज़रमेंट चाहिए जिससे हमें पता चलेगा उसका टेम्परेचर कितना है ना। तो वो क्या होता है, जिस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ कितनी हॉट है, वो दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। ओके अभी हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ टू हॉट वाटर। ओके यू कैन टेक वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है, स्मॉल टब्स लेने हैं ए बी सी, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, हॉट वाटर इन कंटेनर बी, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। तो आपको ऐसा करके फिर क्या करना है, आपको फिर पहले अपना हाथ किस में डालना है, ए में। तो ए में कौन सा है, हॉट वाटर, फिर बी में कोल्ड, देन सी में नॉर्मल। ये मिक्स हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा ना, तो आपको फील करना है कि कौन सा वाटर ज़्यादा वार्म है। आपने अब ये फील तो कर लिया, बट आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा है ना कि ये कितना, मतलब कितना वार्म है, कितना गर्म है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, अ रिलायबल मेजरमेंट मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो जो रिलायबल मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो ना, न्यूज़पेपर में लिखा होता है टुडेज टेम्परेचर इज 35-40, तो हम फील कर लेते हैं कि आज तो गर्मी इतनी है। ये क्या होता है, एक रिलायबल मेजर होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और जिससे हम इस चीज़ को मेज़र करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एंड शोइंग यू वॉट इज़ थर्मोमीटर। ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे।